अबे वो क्या गाइस, वो नीचे देखो पानी के अंदर। वेलकम गाइस, आज एक और एपिसोड शुरू करते हैं पैलवर्ड का। तो पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी सारी फाइट्स की थी, वैलेट को हमने ही हरा पाए थे एट द एंड। तो अभी ये इस नाल के पिल्ले की तरफ एक दफा फिर जाएंगे क्या? ये जो है ना रिलैक्सोसॉरस लक्स, ये भाग गया था बीच में, दीवार के अंदर चला गया था। तो हमें अभी इसको दोबारा करना पड़ेगा। फिर हम इसके बाद हम किसके पास जाएँ? वहाँ पर भूटान का थर्ड लेवल वैसे 38 है, या वॉरसेक्ट का लेवल है, एलिजा बी का लेवल 31 है। तो इनको हम देख सकते हैं अभी फ़िलहाल इस एपिसोड में। तो अल्फिड्रान भाई, ये इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? पिछले गेम में इसने हमें मार दिया था जब हम पहले खेल रहे थे। मैं फास्ट ट्रेवल करके आ चुका हूँ अल्फिड्रान के नेबरहुड में। तो यहाँ से जल्दी से चलते हैं अल्फिड्रान के इलाके में, प्रवेश करते हैं। अभी इधर ही जाना है ना, यहाँ से वो ऊपर से, हाँ मुझे याद आया, यहाँ से जंप करना होता है नीचे की तरफ। ओके गाइस, यहाँ से नीचे की ओर जंप करेंगे और वहाँ पे अल्फिड्रान का अड्डा है, यहाँ पे अपना हम बेस बना लेंगे। इसको मार के क्या ख्याल है? वैसे पहले ना ये इसको सिनामोंद को मार देते हैं, क्योंकि ये बाद में ना बीच में पंगा ना कर दे। अबे मत मारना मुझे। ओके, इससे क्या मिला? हनी? अबे इससे भी हनी मिलता है, मुझे लगा सिर्फ उसके मिलता है, बी गार्ड से मिलता है। चलो अल्फिड्रान आ गया लेवल 30 है। लाल के बिल्ले जरा, अब इस पर मैंने छोड़ा किसको है? डाजिमो को, रॉबिन क्विल को छोड़ते हैं इस पर। अबे भाई इसके कितने तगड़े थे ये वाले अटैक। ड्रैगन ब्रीथ आ गया इसका, ये लो मस्कीट का। मैंने मस्कीट बनाई है भाई, बड़ी तगड़ी वाली, वो जो हमें उसका सिमेंटिक मिला था उससे हमने बनाया। और इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है मस्कीट का, इस वाले का नॉर्मल मस्कीट से ज़्यादा डैमेज है इसका, वरना मैंने अनलॉक नहीं किया हुआ नॉर्मल वाला जो ना टेक्नोलॉजी पेज पे। ये वाला मुझे उसका वो मिल गया था रेसिपी, तो ये मैंने बनाया हुआ है। ओके, इसका बेरी खत्म होने, फिर अब मारेंगे इसको। ये लो, अबे इसको लगा नहीं, ये कैसे हुआ भाई? कितना डैमेज किया अपने उसका। इसको भेजते हैं, इसका डिफेंस बड़ा तगड़ा है। हो भाई, आते साथ उसने ऐलान कर दिया, भाई तुम कौन हो, इधर आओ मेरे सामने, मेरे से लड़ो, फाइट करो। अबे ये वो भेजने लगा है, ये इनका डैमेज बहुत ज़्यादा। अभी मैंने रॉबिन कुल को अपने सामने मरते हुए देखा है इससे। अबे उसने भी भेजा अपने मेहमत ने भी। ओके मुझे लग तो गया, लेकिन मैंने इसको मारा है। यार ये गन लंबी ज़्यादा नहीं है कुछ? ये लो, अच्छा बॉडी पे 68 डैमेज और उसके मुंह पे मारे तो डबल, तो मैं फिर मुंह भी मारूंगा ना। ये देखो यार सिनामोंद तक बीच में आ गया, इसलिए मैं कह रहा था कि यार इसको ना मार ही देते हैं। वो एक को हमने मार दिया, अबे दो मरे पड़े हैं, दूसरा कब मरा? ये बीच में कहीं मर गया होगा, इसको मारना पड़ेगा पहले, पकड़ ही देते हैं इसको। अगर इसको मारने बैठे ना तो अल्फिड्रान अपने अटैक से हमें वैसे ही ख़त्म कर देगा। ओके सिनामोंद भी हमने पकड़ लिया, हमारा लेवल भी अप हो चुका है, एक 25 लेवल हो चुका है। ए अल्फिड्रान के बच्चे इधर आ, 125 भाई मरने वाला हो गया इसका, 1000 से नीचे आ गया इसका। ये मुड़ते भी हैं देखो ना। ओके इसके हेड पे मारते हैं, ये दे हेड शॉट भाई, हेड शॉट ही होता है। अबे मैं नीचे गिर गया, अबे मैं नीचे गिर गया, मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा कहीं से ना होके ऊपर की तरफ। ओके भाई इसका ड्रैगन ब्रीथ पत्थरों के अंदर से आ रहा है भाई, बड़ा खतरनाक है ये ब्रीथ। और मेरी हेल्थ भी नीचे आ चुकी 50% से, तो रेड रेड हो रखा है स्क्रीन। वो अटैक्स कर रहा है लेकिन मेरे पे पहुंच नहीं रहे हैं, बीच में पत्थर है। ओके ये पड़ा इसको, ये लो उसके वहीं पे ख़त्म हो गई, मैंने इसको मारा है। ओपिनियन 300 पे आ गया भाई इतनी जल्दी इसका हेल्थ। अबे यार मेरा गोला मिस कर दिया तूने, इसको पकड़ते हैं या क्या ख्याल है? 99 पे है, हाथ में तो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, नो कम्प्रोमाइज बेबी, नो कम्प्रोमाइज। ओके भाई साहब, हमने अल्फिड्रान को फर्स्ट गो में पकड़ लिया है इस दफा, पिछली बार की तरह हम पिटे नहीं हैं, तो ये फ़ायदा हो गया हमारा। अभी यहाँ से चलते हैं, या गुफा में जाएं क्या? ये वाले गुफा यहाँ पे एक है, इसको अंदर विजिट करके आते हैं। इसके अंदर भी एक बार में बॉस मिलेगा ना, एक अल्फा पैल, तो चलते हैं इसके अंदर फिर गाइस। क्या सोचना क्या, इसके अंदर ही चलते हैं। देखो ना इस पर अल्फा बॉस का साइन बना हुआ है, तो इसके अंदर एक अल्फा पैल होता ही होता है।
तो देखिए मैं इसमें से कौन सा अल्फा पैल मिलेगा, लेट्स सी। ओके तो हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे बी गार्ड हैं यहाँ पे। यार बी गार्ड को मारूं, कैसे मारूं इसको, हाथी को भेज दें क्योंकि अगर ये फटे भी ना तो हाथी को कुछ नहीं होगा, कद्दू भर का फर्क पड़ेगा हाथी को, लेकिन अगर ये मेरे ऊपर फटे ना तो भाई मैं मर जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अभी मेरी शील्ड तोड़ दी इन्होंने। ओके ये फटने आ गया एक, ना बेबी ना, दूसरा फटने आ गया। यार ये सारे फट जाएंगे तो मैं पकड़ूंगा क्या, इसको पकड़ते हैं एक मिनट। ओ भाई मैंने बड़ा टाइम पे मारा इसको स्फीयर, और ये आ भी गया हमारे हाथ में। यार वैसे भी तुम मरना ही था, इसने 20 लेवल का बिग गार्ड, ऐसे ही हमारे हाथ में आ गया। लेट्स गो, आगे चलते हैं और एंड पे देखते हैं कि इस गुफा में कौन सा अल्फा पैल मौजूद है, उसको फिर पकड़ के चलेंगे। ओके यहाँ पे ये ग्रांटे फिर रहा है, क्या नाम है इसका, ग्रांटे था क्या नाम था यार। ओके भाई देखो कितना लंबा जंप मारता है ये, एक जंप में पूरी गुफा पार। तो अबे यहाँ पे बंदे हैं, इनसे बच के ज़रा, वो डंडे वाले भी हैं इधर। अबे कहाँ अटक रहा है, पीछे से इतना डोज करके आ गया, यहाँ पे अटक गया आके, दैट्स नॉट गुड। बस ये लास्ट रूम था, यहाँ से आके मैं बॉस नज़र आएगा। कैटरस, हेलो कैटरस, चलो कैटरस बॉस को पकड़ते हैं। एक कैटरस बॉस हमने उधर से भी पकड़ा था ना, एक इधर वाला भी पकड़ लेते हैं। इसको किसको भेजें, रॉबिन क्विल को भेज दें। ओए होए होए 168 का डैमेज एक गोली से। भाई भाई बच गया, ओए कितना अटैक मारता है ये भी, मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, भाई बच गया, बच के रहना, मेरे पीछे आ रहा है ये, तीन गोले मारता है आके, बच के रहना पड़ेगा, ये ना हो मैं एक समझ के तो पीछे हो जाऊं। एरो का इतना नहीं हो रहा यार डैमेज, उसका सही डैमेज था 170 इतना हो गया था, 100 से ऊपर उसका ऐसे ही डैमेज चला जाता है। ओके शील्ड तोड़ दी उसने भाई फाइनली, और वापस ये जा रहा है अपने रॉबिन क्विल की तरफ। अभी ये क्या है, स्टेमिना लोटस, अच्छा इससे स्टेमिना इंक्रीज होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था भाई, स्टेमिना लोटस भी होते हैं इधर। आइंदा कुछ भी चमक रहा हुआ तो मैं उसके देखने जाऊंगा भाई उसमें क्या है। ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है इसकी हेल्थ, और ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, जितना स्लो स्लो इसने आना है मैं तब तक तो ये मार के निकल जाऊंगा। रोमिन मारना इसे, क्या सोच रहा है। नहीं ये नहीं कर पाएगा, इससे होगा ही नहीं। आ जा बेटा आ जा, इसको यार पकड़ के ले जाएंगे, जिंदा पकड़ के ले जाएंगे। अबे उसने दरख्त के अंदर से अटैक किया उसने, उसकी ये रूट्स है ना इनको नहीं लगा। ओके इसको भी मारते हैं यार, 500 पे आ चुकी है इसकी हेल्थ, 400 हो गई। अपना रॉबिन क्विल अच्छा लड़ रहा है इससे, किसी से माने रॉबिन क्विल अपना फेवरेट होता था, काफ़ी इसने हेल्प की थी हमारी। अभी भी इसको फ्यूचर में रखेंगे अपने पास थोड़ी देर। ओके उसने फिर से वो पिद्दू छोड़ दिया अपने पे, ये नहीं पहुंचेगा यार, मैं ये बहुत मतलब ढील। अबे पकड़ लेते हैं इसको यार, 50 पे आ चुकी है, अब इससे क्या ही नीचे मारना इसको, ये मर जाएगा वरना। ओके हमने पकड़ लिया, दरवाज़ा खुल चुका है एग्जिट का, लेट्स गो भाई चलते हैं यहाँ से, एग्जिट करते हैं। केट्रस हमने पकड़ लिया है फाइनल बॉस वाला, और इसके अंदर से हमें बैलनायर स्लैब फ्रैगमेंट मिला है, तो हम बैलनायर को भी कर पाएंगे इससे। चार स्लैब फ्रैगमेंट हो तो एक वो बैलनायर बनता है वो वाला स्लैब, तो उसको हम उससे हम बैलनायर को समन कर सकते हैं और इसको फिर एंड पे पकड़ सकते हैं या मार सकते हैं। अच्छा जी इसको मैं कहाँ यूज़ करूँ, हेल्थ पे लगा लूँ या अटैक पे लगाऊँ, कहाँ हेल्थ पे लगाते हैं, फिलहाल हेल्थ अपनी कम पड़ रही है। कुछ टेक्नोलॉजी पॉइंट्स भी ओपन हुए हैं। ओके मैं इधर आया हूँ तो अल्टर वाली साइड पे, यहाँ पे वो है वर्डैश वाला इलाका है मेरे ख्याल में, है ना,
लेकिन अभी फिलहाल मुझे ध्यान रखना है नीचे के बंदे बंदे फिर रहे हैं, मार ना दे मुझे। यहाँ पे फास्ट ट्रैवल है एक, कहाँ गया अभी फास्ट ट्रैवल, इसके पीछे है क्या? हाँ इधर ही है। लेट्स गो होम बडी, बहुत होगी फाइट वाइट। अभी अपने को ना एरो चाहिए भाई, एरो अपने ख़त्म होने वाले हो गए हैं। और क्या चाहिए, रिपेयर करने वाला कुछ नहीं, हमारा सारा आर्मर शर्मर ओके है, तो हमें रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। अपने पैल्स भी एक दफ़ा देख लें फिर चलते हैं अगले बॉस को मारने के लिए। वोम्पो भूटान को अभी नहीं, वर्डैश को ट्राई कर सकते हैं। वॉर सेक्ट को मारें क्या यार, वॉर सेक्ट को पकड़ते हैं चल के, क्योंकि काफ़ी देर से ये रहता आ रहा है, तो अभी हमारा लेवल जो है वो 30 के पास ही हो गया, तो इसको पहले पकड़ते हैं चल के, फिर बाकी देखेंगे। अबे यहाँ पे ये फिर रहे होते हैं, ये इशू करेंगे। अबे नहीं 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 नहीं, उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई, वो पत्थर मारने लगा था, मैंने उसको समन किया तो उसकी गर्दन ही टेढ़ी हो गई, देखो वो उधर ही देख रहा है बस। अबे सीधी करना गर्दन, चल इसके अंदर चलते हैं। अच्छा ये जो है ना वॉर सेक्ट, ये ग्राउंड टाइप है और इसका डिफेंस बहुत तगड़े वाला है भाई, ग्राउंड और लीव दोनों है। हैं आते साथ मेरे ऊपर इसने मेरा शील्ड तोड़ दिया, आते साथ भाई, आते साथ। ये बड़ा नेगेटिव बंदा लग रहा है, इसको पकड़ने भी मुश्किल होने वाला है। देखो भाई इसका कितना वो आर्मर इसका बड़ा तगड़ा है। अच्छा ये इसके पास भी है, अटक गया भाई अटक गया। अबे भाई नहीं, अभी भी उसके ऐड पे नहीं लगा, 54 का डैमेज है जो कि इनफ नहीं है यार। देखो ग्रास जो है वो ग्राउंड का वीकनेस है ना, तो इसके पास दोनों पावर्स हैं, ग्रास भी और ग्राउंड भी, तो हम इसको किससे मारेंगे, फायर से मारेंगे या ग्रास से मारेंगे? फायर ही इस पर करना पड़ेगा क्योंकि ग्रास तो वो हो जाएगा ना। उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये ज़्यादा मूव्स कौन सी मार रहा है, ज़्यादा मेरे ख्याल में ना ग्रास टाइप मार रहा है, तो हमें अर्थ इस पर नहीं यूज़ करना है, या ग्रास करेंगे या फायर वाला करेंगे। फायर वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेरे ख्याल में। ना बेटा ना, अभी तू बेटा मेरा। अभी मेहमत ने उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर में रखा हुआ है, हमारा कुछ नहीं कर पा रहा ये। अबे इसके सर पे कैसे लगता है? अबे ये देखो ये जो उड़ के आता है ना, जो फर्स्ट टाइम भी उड़ के आया था, अबे ये लगा इसके हेड पे, अब लगेगा इसके हेड पे, इसका ये हेड है। उसकी आंखें बस, आंखें भी नज़र नहीं आ रही, आंखें भी ब्लैक है इसकी। अबे कितनी दूर तक इसका इफेक्ट है भाई, ये जो मुँह से पत्ते मार रहा है। इसको तो पकड़ेंगे भाई आज, जो मर्जी हो जाए इसको नहीं छोड़ना। वैलेट को तो छोड़ दिया था, इसका लेवल 30, इसको पकड़ लेंगे कोई बात नहीं। अबे उसके अंदर से कैसे आ गया, मेहमत के अंदर से निकल के मुझे लगा इसका अटैक, मुझे लगा था मेहमत को लग जाएगा, मुझे नहीं। अबे बच के अट्रा अटकन मत के यार, पिलर शिलर्स हैं इधर काफ़ी। ओके नो बेबी नो, ये लगा कहाँ पे है, आवाज़ तो आई है जैसे जैसे, पता नहीं उसके ऐड फट गया हो। अबे मेहमत का कुछ नहीं होगा इससे, उसके पास अपना अटैक है। अबे स्लो स्लो इसको मार रहा है मेहमत, क्योंकि वो टाइप सेम है ना दोनों का। बुशी को भेजते हैं, बुशी मारेगा इसको, वैसे बुशी खुद ना ठिल जाए क्योंकि बुशी का इतना डिफेंस अच्छा नहीं है। और भी उसकी 77 गई उसके एरो से, इसको फायर वाला ही सही है इफेक्टिव, फायर वाला भेजना पड़ेगा पैर इस पर, फायर वाला और है ही नहीं कोई हमारे पास। यार ना मैं सोच रहा हूँ कि फायर वाले कोई तगड़े पैल पकड़ते हैं, ऐसे नहीं काम चलेगा। मार इसको बुशी तलवार, ओ भाई 73 ऑलमोस्ट 50% जा चुका है ये ऑलमोस्ट। अबे कितनी दूर तक आता है इसका डैमेज, वहाँ तक उसके पत्ते नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक डैमेज आ रहा है, जहाँ पे
ना लवी ना, अबे पहले आर तो शील्ड तोड़ी हुई है मेरी, फिर से मरवा लूँ मैं अपने। बच के भाई बच के, आगे को फेंकेगा। ओके, जिस तरफ बंदा जा रहा होता ना ये उसको उस तरफ को फेंकते हैं ताकि इसको लगे जाके। ललनारिस को ट्राई करते हैं इस पर। अबे इसने आग वाला फेंका गोला। ओके ये अच्छा था लेकिन इतना डैमेज इससे नहीं हुआ। अब बिजली वाला ये देखो, एक एक का डैमेज बस भाई। क्या है ये, इतना इसका आर्मर चैट है यार, हमें भी ऐसा आर्मर चाहिए। चलो अटैक पे अटैक हो गया, 1000 पे इसकी हेल्थ आ चुकी। ओके ये भी अच्छा था। अबे ये अंदर से कहाँ से निकल आया, मैं दूर था इसलिए बच गया हूँ, पास होता तो अभी तक लग जाता मुझे, तो मेरा शील्ड तोड़ देता ये। ओके 911, ओ भाई जमा दिया उसको अपने लोनारिस ने, जमा दिया उसको। ओके सही पढ़ तो रही है इसको। ओके नाइस, 500 पे आ चुकी है इसकी हेल्थ, बस इसको हम पकड़ने वाले हैं, बिल्कुल पास आ चुके हैं। अबे ये टाइम हमारा मिस हो गया एरो जो था। ओके फिर से बिजली का झटका लगा दिया उसने। ओके उसको जकड़ लिया उसने भाई। ओके 300 नाइस भाई, नारे सही उसको लकड़ा दे रहा है ये। देखो यार कितनी दूर तक आ रहा है ये, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इतनी दूर कैसे आ रहा है। हाओ ये वहीं पे अटका, ओबे मुझे लगा था वहीं पे अटका होगा, अटका रहेगा। ओके 200 पे आ गया, बस जब बहुत जल्दी ये हमारा होगा। इसको ट्राई करें पकड़ने का। अबे 32 पे आ गया, वापस आ जा वापस आ जा वापस आ जा। लुनारिस बस कर यार, क्यों मार रहा है उसको, बस इसको पकड़ते हैं यहाँ से वापस आ। फाइनली हमने वॉर सेट भी पकड़ लिया है, जल्दी से चलते हैं बेस पे और अपना रिपेयर शिपेयर कर लेते हैं, खा पी लेते हैं कुछ, अपनी हेल्थ फुल करनी है। ओके तो यहाँ पे ये वॉर सेट पकड़ा है हमने, इसका 383 का डैमेज है भाई, 410 डिफेंस उसका ज़्यादा है अटैक से। यहाँ से देख लो कितना तो खतरनाक बंदा है। चलो सोते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा, लड़ लड़ के काफ़ी थक गए हैं, थकान हो गई है भाई। ओके गुड मॉर्निंग, सारे पैर अपने काम पे लगे हुए हैं, अभी क्या करें, आज क्या करना है यार, कुछ आज का कुछ प्लान नहीं किया हुआ कुछ। इधर थोड़ा सा बेस पे देख लेते हैं, काम शाम देख लेते हैं कैसा हो रहा है। इनको ना ब्रीडिंग पे लगाते हैं, ये जो है ना बीकन और रेंडियर जो है ना, इसको दोनों को लगाते हैं ब्रीडिंग पे और देखना इसमें से क्या निकलेगा। एक ऐसा बंदा जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है स्टार्ट से ही, वो निकलेगा इसमें से, तो देखेंगे अब एक कौन से निकलता है। मुझे तो पता है कौन निकलेगा लेकिन आपको नहीं पता, गैस करो और कमेंट में बताओगे कौन सा निकलेगा इनमें से। ये बीकन जो है इलेक्ट्रिक टाइप और ये रेंडियर है न्यूट्रल टाइप, इन दोनों का मैं कर रहा हूँ ब्रीड और देख इनसे बताओ कमेंट करके कि इसमें से क्या निकलेगा। इन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है, अब मुझे इनके लिए केक चाहिए, केक प्रोवाइड करना है, उसके लिए मुझे हनी आटा और दूध, और वो मेरे पास अंडा शंडा वो नहीं है मेरे पास। तो ये गंदम मैंने लगाई हुई थी, गंदम तो आ रही है, आटा इससे बन जाएगा ठीक है, लेकिन मेरे पास बेरीज भी हैं, ये भी है वो नहीं है। केक के लिए अंडा चाहिए, हनी चाहिए और दूध चाहिए, वो तीन चीज़ें नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास कोई भी वाटर टाइप नहीं है जो इसको करे, और ये जो सर्फेंट है ये पता नहीं, ये भी बहुत ढीला ढाला लग रहा है यार मुझे। यहाँ पे मुझे कोई तगड़ा वाटर टाइप पैल चाहिए, ये वाला ये तो है आइस वाला है ना। आजूरूप का लेवल 3 का वाटरिंग है और इसका सर्फेंट का लेवल 2 का है, तो मुझे आजूरूप को यार क्यों नहीं रखा मैंने, आजूरूप को रखते हैं बेस पे, ये काम करेगा सही और ये जाएगा अपनी चक्की चलाएगा। अबे तो ये भी जाके खेतों को पानी लगाना शुरू हो गया, अबे चक्की पे लगना, चक्की पे जा या यहाँ पे जा, कैन नॉट असाइन, अब ये लॉगिंग साइड पे नहीं कर रहा, मैं चक्की पे कर रहा हूँ इसको, तो थोड़ा सा ना राइट लेफ्ट होके करते हैं। ओके चक्की पे हो गया साइन ये, अभी चक्की पे आटा बनाएगा। अभी इसके अंदर से पानी इतना कहाँ से निकलता है, मैं सोच रहा था जब गेम खेल रहा था, तो अभी मुझे बताओ यार इतना पानी इसके अंदर से कहाँ से निकलता है, थोड़ा सा तो है ये,
अब तक जितना पानी निकल गया था अब निकल जाता तो ये तो सूख जाता बिल्कुल ही, पता नहीं कहाँ से निकला आ रहा है इतना पानी। खैर इसको चक्की चलाने देते हैं, ये आटा बना के हमें दे देगा और फिर हम उसको केक बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हमें चाहिए दूध और हनी चाहिए, हनी के लिए हमें गार्ड भी पकड़ना पड़ेगा, बी गार्ड एक तो हमने पकड़ा हुआ है तो एक और पकड़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा अपना ना स्टोरेज का सिस्टम सेट कर लें। इससे पहले हमारे पास वुडन चेस्ट थी, वुडन चेस्ट जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। मैंने मेटल चेस्ट बना ली है, इसमें स्लॉट्स ज़्यादा हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें रखी जा सकती हैं। तो वो जो 3-4-5 मैंने वुडन चेस्ट बनाई हुई थी उनकी जगह पर हमने ना 3 मेटल चेस्ट बना ली हैं। तो सारा कुछ हम इन्हीं के अंदर रख देंगे, दो इस तरफ हैंगे देखो। तो ये सारा कुछ मैंने अंदर सेट कर दिया है, इनके मेटल चेस्ट के अंदर काफ़ी सारी स्लॉट्स हैं, अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। और ये पत्थर वाला सामान इधर, पत्थर के पिट पे ये होगी, कितना पत्थर बना लिया इसने, पत्थर वाला सामान इधर और लकड़ी वाला सामान ये लकड़ी वाले बॉक्स में, लॉगिंग साइड पे इधर भी 1500 लकड़ी बनी हुई है। ठीक है, ग्रैपलिंग मेगा है अभी, अनकॉमन है, ओके। अभी यार ये मैंने दो गाय छोड़ी हैं इधर, लास्ट टाइम मैंने पकड़ी थी, लेकिन ये दूध क्यों नहीं दे रही हैं? अच्छा यार अभी तक दूध नहीं दिया इन्होंने, मेरे ख्याल में ना ये जो आधा मेरा रेंज बेस की रेंज से बाहर है ना, इसलिए ये दूध नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि ये बड़ी में है, साइज़ में बड़ी है ना। मुर्गे ने अंडा भी नहीं दिया अभी तक और इन्होंने दूध भी नहीं दिया। मैं सोच रहा हूँ इसको ना तोड़ के तो इसको अंदर करता हूँ बेस की, मतलब ना रेंज के अंदर। ये फीडबैक्स भी तोड़ देते हैं और ये वाला भी तोड़ देते हैं। चलो अब नया रेंज बनाते हैं बेस की रेंज के अंदर और फिर ये दूध और अंडा शंडा देंगे। तो रेंज पर जाते हैं, ये रहा अपना रेंज। अबे यार तुम लोग निकलोगे तो बनाऊंगा ना, इधर से निकलो, रात हो गई है और ये अभी अब निकली है फ्लेम बैल एंड पे जाके, तो ये लोग इधर ही घूम रहे थे ऑल द टाइम, तो मैं अभी रात को ही आके बना पाया हूँ। तो अभी ये भाग के आ गए हैं वापस इधर, अभी मेरे ख्याल में दूध अंडा शंडा देंगे। तो यहाँ पे ना फीड बॉक्स भी एक बना देते हैं वापस से, ताकि इनकी जो बनाई हुई है वो चीज़ें ना इधर ही रखी जाएँ, ताकि उधर जाएंगे तो बाकी पैल खा पी ना लें, तो हमें उनको सेव करना है तो यहाँ पर इसको बनाएंगे। ओके नाइस, इसमें कुछ बैरीज रख देते हैं ताकि ये खा पी भी रहे। ओके भाई, अब रात में क्या ही किया जा सकता है, हाजिर हो अपना आटा बना के तो ले आया है, लेकिन बाकी चीज़ें देखो, एक मिलक हमें मिला, 3 अंडे मिल गए हैं, तो अच्छी बात है, मतलब अब अपने ना ये केक वगैरह का सामान हो जाएगा पूरा, केक्स वगैरह एक्स्ट्रा बनने शुरू हो जाएंगे। केक बनाने के लिए भी हमें ना वो वाला चाहिए, लेवल 4 का फायर इग्निशर चाहिए, या वो अभी तक हमारे पास है कोई नहीं, वो हरमनटाइड इग्निस पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए लेवल बड़ा चाहिए हमें। मसले ही मसले हैं यार, इसमें कभी कुछ पूरा नहीं हुआ, देखो पूरी रात होगी अभी तक उसने केक नहीं बनाया। चलो तो मैं एक दफ़ा रेंज का चक्कर लगाता हूँ, यहाँ पे कुछ सामान जो इन्होंने मज़ीद दिया है वो वाला उठा लेता हूँ। ये फ्लेम बैल फ्लेम और गम भी दे रही है, और ठीक है दूध अंडा भी सही आ रहा है अभी। यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ, ओके सो गए थे ना रात को, तो सोते हुए तो थोड़ा करेंगे। चलो फास्ट ट्रैवल करके इस आइलैंड को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे कुछ जो अनलॉक करने वाली चीज़ें हैं वो करते हैं। वहाँ पे एक आध बॉस भी मेरे ख्याल में डुमूड बॉस है उधर, उसको चल के पकड़ेंगे। अभी भाई इधर आ, किधर है वो अपना शुद्र मुरग, इधर आ भाई, पंगा मत ले उनके साथ, चलो चलें, ये मारेंगे बहुत मारेंगे, चलो मुझे ले चलो, देखो मार रहे हैं ना, लेट्स गो। यहाँ पे एक गुफा है, इधर नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, चले जाएं इसके अंदर, चलो लेट्स गो, देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलने वाला है, लेट्स गो। एक बॉस तो इसके अंदर भी होगा पक्का। अभी यहाँ पे बंदे हैं इनके, ऐसे डोज करके इनको चलेंगे, इनके कद्दू पे रखा इनका अटैक। चलो जी चले 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 चले, चल 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 आ गए भाई। यहाँ पे फिर भी ग्रैंडेल पकड़ा खड़ा हुआ यार, पिछली गुफा में भी था भाई, उसी में तो नहीं आ गया, कहाँ मैंने जल्दी जंप कर दिया इस दफ़ा फिर भी, लेकिन पहुँच गया यार एंड पे आके, पानी में नहीं गिरा। ओके यहाँ पे फाइट चल रही है, इन्होंने कैटरस को पकड़ा हुआ है, मैं अबे मुझे भी एक एरो पड़ा। ग्रैंडेल जा यार हेल्प कर कैटरस की, या इधर खड़ा हुआ इधर इंजॉय कर रहा है। लेट्स गो, मैं आ चुका हूँ फाइनल बॉस के चैम्बर में। अब बॉस है भाई रोबिन क्विल, भाई रोबिन क्विल बॉस है, इसको मार के चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं बाहर। ओके इसके लिए फायर टाइप चाहिए ना, फायर टाइप मेरे पास ये बूशी है, बूशी को भेजते हैं। चल भाई शुरू हो जाओ, भाई शुरू हो जाओ, इसके लिए मैं ये पिल्लों को पहले मार। अबे वो दोनों उस पर कर रहे हैं और वो मेरे ऊपर कर रहा है भाई, ठीक है जी ठीक है। इसका अटैक कहाँ मिस हो गया, कहीं तो गया। अबे उसको पकड़ ले ना, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा ये लो, अब तो पकड़ा जाएगा। अबे बूशी क्या कर रहा है, किधर है? अबे 1340 का डैमेज देखा आपने गाइस,
क्या डैमेज दिया उसने गन ने उनको। इसको भी पकड़ लेते हैं, ये पकड़ा जाएगा। इसके बाद बॉस को देखते हैं। ओके नो, अबे यहाँ पे ये किस दीवारें आ रही हैं। ओके बूशी को लगा उसका 196। ओके इसका डिफेंस अच्छा है यार, मैं उसको रीलोड कर रहा था, उसने मार दिया मुझे अपने एरो से। बस बच कैसे गया भाई, उसने जंप कर दिया एंड पे आके। भाई वैसे क्या उसको कभी आग लगा रहा है कभी जमा रहा है बूशी भाई, उसको लकड़ा तो दे रहा अच्छी वाला। बूशी का कुछ नहीं जाएगा इससे। ओके पड़ गई मुझे फिर से, लेकिन ये भी 1000 से नीचे आ चुका है, बस ये मरने वाला है अभी तो। ओके एरो भी अच्छा डैमेज कर रहा है इसका। ओके अबे फिर से एरो मेरे ऊपर। ओके बचत हो गई मेरी, 500 भी आ चुकी है इसकी हेल्थ। ओ भाई 300 पे, क्या यार बुशी तलवार मारता है इसको। अब इसको मारें क्या, पकड़ने की कोशिश करते हैं कि शायद ये हमारे हाथ में आ जाए, अगर ना आया तो फिर भी इसको मारना ही पड़ेगा। ओके भाई भाई हेल्थ अपनी पहले ही डाउन है भाई, बच के यार हेल्थ मेरी गई, इसको मारना ही पड़ेगा। चलो मैं खुद गाइस मरने वाला हो गया था। अभी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, चले दरवाज़ा खुल चुका है। अभी आ यार बूशी चले, डाजे मुंह पूछे ले चलो यार। यहाँ पे ये चेस्ट खोल कर निकलते हैं बाहर। चलो जी लेट्स गो, ये गुफा क्लियर हो चुकी है, इसको हमने डिफीट कर दिया। आगे की देखते हैं कि कहाँ पे जाना है, इसके पीछे ही जाना है ना। चलो डाजिमो को बुला के चलो चले यहाँ से। बी गार्ड भाई मुझे पंगा नहीं लेना अभी तुमसे, आगे चल के बी गार्ड मिलेंगे ना उनको पकड़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल पंगा नहीं लेना बी गार्ड से। बस यार बी गार्ड चाहिए तो है मुझे हनी के लिए, अपने बेस पे हनी चाहिए यार। आर्मर इज डैमेज। ओके इन्होंने कुछ किया या नहीं किया, इनके पे केक रखना पड़ेगा, येलो केक। ओके भाई इन्होंने एक अंडा दे दिया है, इस अंडे को लेके हम चलते हैं अपने इनक्यूबेटर पे। यहाँ पे इनक्यूबेटर एक और लगा दें क्या, एक इधर ना हमारे ये ब्रीडिंग फार्म के अंदर भी होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्लोथ नहीं है इसके लिए। चलो हमारे पास जो उधर पड़ा हुआ है इसके अंदर ये अंडा रखते हैं। गैस करो क्या निकलेगा गाइस, अनुबीज। फाइनली हमारे पास अनुबीज आ चुके हैं, हमने ब्रीडिंग से लिया है। अब इस अनुबीज को अपने बेस पे डिप्लॉय कर देंगे और ये यहाँ पे करेगा हैंडी वर्क। इसका लेवल 4 के हैंडी वर्क है और ये मिनटों में चीज़ें बनाता है, मिनटों में स्किंटों में बनाता है भाई। इसको किसकी जगह पे रखें, इसके एक गाय की जगह पे रख दें क्या। चलो अबे हैंडलिंग मत कर, इसका हैंडलिंग मुझे ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको ये देखना ना, अभी ये बना रहा था मैं अपना ना आर्मर वगैरह रिपेयर कर लेता हूँ। ओके तो ये भी रिपेयर कर ले, ये भी रिपेयर कर ले, सारा कुछ रिपेयर हो चुका है। ओके अभी इसका ना हैंडलिंग वाला सिस्टम ऑफ करते हैं और फिर देखना ये एरो कितनी स्पीड से बनाएगा। इसको सिर्फ ना वर्क ऑनली करते हैं, ये देखो भाई ये नूबीज है इसका, ये लॉगिंग भी ऑफ करते हैं और ये हैंडलिंग भी ऑफ करते हैं। अभी ये देखना ये करेगा काम, उधर जाके एरो बनाना इसने स्टार्ट कर भी दिया। और इसकी स्पीड चेक करो ब्रदर्स, गाइज इसकी स्पीड देखो काम करने की। और ये निकला भी वो वाला है अल्फा निकला, अल्फा नूबीज बड़े वाला। भाई क्या स्पीड है इसकी, मज़ा आ गया यार कसम से। यहाँ पे गीगास्फीयर बनने के लिए लगा दें क्या, क्या ख्याल है। ओके इसने इधर पत्थर बना दिया, इधर इंगट भी हमें चाहिए होते हैं साथ साथ में, वो भी बनाने के लिए लगा देते हैं। और हमारे पास भाई दूसरे फार्म की कितनी और पड़ी हुई है, ये और लेके चलते हैं उधर अपने और फार्म पे, बहुत और बन रही है। वैसे और माइनिंग साइट भी है लेकिन उधर से अभी इतनी और निकलेगी नहीं, और माइनिंग साइट 2 आएगी ना फिर उसमें से ज़्यादा और निकलेगी, वो बनाया करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर अनलॉक हो चुका है, ये चीज़ें फजूल है इसलिए मुझे अनलॉक नहीं करनी है, फालतू है यार ये चीज़ें, इसको मैं क्या करूँ। मेटल शेल्फ सेट कहाँ रखूँगा इसको, मेरे पास वो है ही नहीं सिस्टम सारा। ओके तो केक बनाया कोई, यार इतना स्लो केक बना रहा ना ये, इसका लेवल 2 का फायर है और ये हाल देख लो इसका केक कैसे बना रहा है। ओके पत्थर इसने काफ़ी अच्छे काट लिए हैं,
अभी कहाँ पे चले? लेट्स गो गाइज, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे तो रहे तो बेस पे ये पका देंगे हमें। ओ चलते हैं फिर कहीं देखते हैं। ये मैं आया हूँ थोड़ा सा ना ग्राउंड वाले अनुबिस वाले इलाके में, तो इधर चल के एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा एरिया हिडन था, आगे और भी आइलैंड है साथ इसके कनेक्टेड, उधर भी चल जाना है हमने, वो भी देखते हैं। यहाँ पे एक डिक टॉयज है, इसको पकड़ लेते हैं। ओके हेलो डिक टॉयज, गुड मॉर्निंग। ये ग्राउंड वर्सेस ग्राउंड हो रहा है मुकाबला। ओके नाइस, इसको पकड़ लें क्या? आ जाएगा हाथ में, है ना? ओके पकड़ लिया हमने डिक टॉयज को। आप आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे स्पार्किट फिर रहा है। अबे उसको कैसे लग गया यार? निकल गया यहाँ से, इसके साथ पंगा नहीं लेने का। इसको मार दें फिर। चलो ये तो फिनिश हुआ, एक सेकंड में गया। तो और कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। अबे यहाँ पे नाइट विंग है आगे ही चल के, नाइट विंग बॉस वाला अल्फा, इसको पकड़ते हैं। ये देख हेडशॉट देना मुझे 700। ओके भाई हेडशॉट का कितना आया डैमेज। इसको भी गाइस पकड़ लें क्या? क्या कहते हो? ओके 200 पे आ गई इसकी हेल्थ। ओके नाइस शो मार दे, पकड़ लिया इसको। आ जाएगा ये इजीली, आ जाएगा 18 लेवल का है अब, ग्रीन स्फीयर में इजीली आ जाएगा, नो इशू। ओके तो आगे वाला ये मैप अभी एक्सप्लोर करने वाला है। ये वाला आइलैंड बिल्कुल टोटली हिडन है, तो इसको चल के थोड़ा सा विजिबल करते हैं और देखते हैं इस पर और कौन कौन से पैल्स अवेलेबल है। यहाँ से चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा, वो ज़्यादा हाइट है, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। इधर से चढ़ जाएगा फिर। यस ओके यहाँ पे फॉक्स पर पड़ी खड़ी हुई है, भाग गई डर के। और यहाँ पे कोई बड़े पहल नहीं मुझे नज़र आ रहे यार। ये मुझे ना बिगनर्स लग रहा है ये आइलैंड, इस पर इतने मतलब चार लेवल के, पांच लेवल के हैं। पूरा मैंने घूम लिया और मुझे अभी तक कोई बड़ा पहल नज़र नहीं आया। क्राउजीरो भी पांच लेवल के हैं यहाँ पे, तो इनका भी कोई नहीं है सीन। मर गया बस। अब एक और भी है, ये लो मुझे एरो मारने का मौका ही नहीं दिया डेजिमो ने। ये लो कर लो बात। ये आ गए डुमोड, डुमोड बॉस है यहाँ पे अल्फा। इसको भी मारते हैं या पकड़ते हैं, जो भी करते हैं इसको भी फिनिश करते हैं। ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, इसे हमें कुछ एक्सपी मिल जाएंगे, हमारा लेवल अप होता जाएगा। अबे 780, मुझे अपने पैल बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है इस पर, है ना? मैं ऐसे ही मार दूंगा इसको। ले लो, अभी मेरे ख्याल में ना इसको एरो से मारना चाहिए। इसका 200 पे आ गई इसकी हेल्थ, अभी एक गोली और मारी तो ये मरेगा बस। अबे मर ही गया यार, क्या है यार इसको? मुझे लगा था मैं इसको पकड़ के ले जाऊंगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और कोई आया। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ये क्या करने आया हुआ इधर? इसको पकड़ें क्या? ये लो भाई स्पॉटेड हो गया यार। लास्ट गेम में ना आपको याद होगा मैंने इनको पकड़ के रखा हुआ था, और अपनी बेस पे जब मुझे ज़रूरत होती तो मैं इनको बुला के कुछ काम करवा लेता था। लेकिन यार ये ना अभी पकड़े नहीं जा रहे हैं, शायद मेरा लेवल कम है या क्या सीन है। मैं वो उतार रिंग पहन लेता हूँ, रिंग ऑफ मर्सी, ताकि ये मर ना जाए मेरे अटैक से। लेवल तो हमारा हो चुका है वांटेड, उसको भी बुला लेते हैं वो कहीं ना, इसको मार दे यार। इसकी 1 हेल्थ है और ये फिर भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, क्यों भाई? 30 लेवल का है ना, तो 30 लेवल के बाकी प्याज भी तो हमने पकड़े हैं, ये क्यों नहीं आ रहा यार? कितने मैं स्फीयर, मेरे सारे स्फीयर लगा दूंगा इस पर, कितने स्फीयर लगा दिए यार इस पर, लेकिन ये पकड़ने वाली साइड भी आ ही नहीं रहा। अब क्या करूं इसका मैं, बताओ? मार दूं इसको या वैसे यहाँ से निकल जाऊं? मैं निकल रहा हूँ यार इधर से। एक तो ये ना यहाँ के गार्ड्स मेरे पीछे लग गए हैं, वॉन्टेड हो चुका हूँ मैं, तो मुझे ना गेम एग्जिट करनी पड़ेगी। एक दफ़ा वापस बेस पे चलते हैं। लो मैं बेस पे आ गया, एक दफ़ा गेम एग्जिट करके चलाते हैं। ओके भाई वॉन्टेड लेवल जा चुका है, अगली सुबह शाम हो चुकी है, सुबह तो क्या ही होनी है। चल के सोते हैं यहाँ पे, या सामान वगैरह रखते हैं यहाँ पे, कुछ उठाया हो गया। गुड नाइट, सुबह उठ के फ्रेश होकर कुछ और कुछ करेंगे
लास्ट 3 दिन बहुत हमारा बुरा गुजरा है, कुछ भी नहीं पकड़ पाए हम लिटरली। केक भी हमारे पास अभी अनुबिस बहुत मतलब वो जो बूशी है बहुत स्लो स्लो बना रहा है केक भी। तो यहाँ पे चलते हैं, बाकी का आइलैंड एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा बैठा होगा, इससे थोड़ा सा हालचाल पूछते हैं इसका चल के। ये यहाँ पे क्या क्यों बैठा हुआ है, क्या कर रहा है इधर? यार बंदी है ये, तो बंदा नहीं है, तो इसको क्या बात करें इससे, क्या करते हैं पूछ लेते हैं ये क्या सीन है इसका। नहीं बंदा ही है यार, लड़का है। यू आर न्यू अराउंड हियर आंट यू, आई बट यू आर आल्सो ट्राइंग टू कैच पैल्स गेट्स रिच क्विकली। हैं मैं ये पैल पकड़ के बंदा रिच कैसे होता है ये मुझे बताओ। ओ पैल बेच के वो ब्लैक मार्केटर के साथ हैं। यहाँ पे मेहमत फिर रहा है एक, इसको चल के भाई इसकी उंगली करते हैं मेहमत की। अभी मेहमत से हमें कोई डर नहीं होने वाला। अबे मेहमत इधर आ ना, अपना मुंह इधर कर, ये रहा। चल बे ये बूशी, अबे उसने भी आगे से अटैक किया पूरा ही बराबर। तो मुझे बस इससे ना इसके अटैक से बचना पड़ेगा, इसके अटैक बहुत हैवी वाले हैं यार। इसका डिफेंस भी है, अटैक भी बहुत हैवी है। अभी मुंह इधर करना, पानी के अंदर क्यों ले गया बूशी को? मैं उसने सोचा होगा कि बूशी आग वाला, पानी के अंदर ले जाता हूँ इसकी आग बुझ जाएगी, लेकिन ये नहीं पता कि बूशी अपना वाटर प्रूफ है। ओके ये पड़ी इसके, इसको पकड़ लें क्या गाइस? मैं स्फेयर फेंकूँ इस पर या इसको मार दें, क्या करें? 32 लेवल का है मेहमत, लेकिन ढीला डला हुआ होता है यार ये। देखते हैं, लेट्स ट्राई, देखते हैं कि ये आता है कि नहीं स्फेयर में। ये सिंपल था यार, ये तो बिल्कुल ही ऐसे इजी था यार। चलो डेजिमो यार आगे चले, इतना बहुत है यहाँ पे। ओके ये पता नहीं कहाँ कब मरे हैं बीच फाइट में, यहाँ के ये मर गए थे। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे ही पैल हैं, एक फास्ट ट्रैवल यहाँ पे भी है, इसको भी अनलॉक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सारा आइलैंड हमने घूम घाम लिया है, इधर कुछ नहीं मिला। और एक आगे भी है आइलैंड है, ये कौन सा है भाई? इधर वो सेंचुरी है, सेंचुरी के कितना पास है हम इस आइलैंड पे देखते हैं। ये मेरे ख्याल में वो डेजर्ट का नुक्कर बन रही है, कॉर्नर है, पता नहीं क्या ही। ट्रीज तो मुझे डेजर्ट वाले लग रहे हैं, लेकिन शायद कोई नया आइलैंड ना बना दिया वो अपडेट में, देखते हैं चल के। वो डेजिमो 43 लेवल का गोरी रैट टेरा यार, ये अभी 45 लेवल के हैं यार। ये कौन सी दुनिया में आ गया हूँ मैं? एक और डेजिमो खड़ा है, ये भी पक्का 40 प्लस होगा। और कौन है यहाँ पे? और गोरी रैट एक और है यार, मैंने इधर फाइट करने वाला 46 लेवल। ये सारे अपने पॉइंट से बाहर हैं। टोको टोको 43 लेवल, यार सारे 40 प्लस हैं यहाँ पे। तभी फिलहाल मुझे इनसे पंगा नहीं लेना, मैं निकल रहा हूँ इधर से भाई, मैं निकल रहा हूँ लिटरली, भाग रहा हूँ इधर से। इधर फिर आएंगे जब हमारा लेवल 40 हो जाएगा ना, फिर हम इधर आएंगे, ठीक है पक्का आपसे प्रॉमिस फिर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे मरना नहीं है, मैं ना एक सेंचुरी एक दफ़ा ये देख के आता हूँ। ओके अबे ये आगे खड़े थे यार, क्या यार बुरे दिन चल रहे हैं, कल का दिन भी ऐसे बुरा गुजरा। यहाँ पे अर्मनटाइड इग्नेस फिर रहा है 42 लेवल का। ओके और ये वो फिर रहा है, लेकिन यार कल का दिन भी कितना बुरा देख के गुजरा, मैं वांटेड हो गया था, आज भी वांटेड हो चुका हूँ। ओके वहाँ पे एक बंदा खड़ा है असॉल्ट राइफल पकड़ के, तो यहाँ से मुझे निकलना है अभी फ़िलहाल, निकलते हैं बस। बहुत हो गया यार वांटेड लेवल, अभी मुझे फिर से एक दफ़ा गेम एग्जिट करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये मैं जहाँ जाऊँगा ये मेरे पीछे पीछे आते जाएंगे, तक मेरी बेस पे भी ये मेरा पीछा करेंगे। फ्लेम बेल पकड़ लें क्या? 24-25 की लेवल किया है, 26 पकड़ लेते हैं। अबे ये मेरे पे एम करके खड़ा हुआ है। ओके ये फ्लेम बेल पकड़ लिया हमने, ये भी क्यों नहीं आ रही है, बड़ा अग्रेसिव है यार ये तो। ओके अबे 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 मार दिया उसने, आग लगा दी है यार ये, नहीं हाथ में आने वाली, मुझे निकलना चाहिए इधर से। वो सामने फास्ट ट्रैवल है, अनलॉक करके यहाँ से निकलते हैं अभी। डेजिमो भी इधर आना, मैं मरने वाला हो गया हूँ इस फ्लेम बेल को पकड़ने के चक्कर में। छोटी सी किद्दू सी है, इसने मुझे इतना मार दिया।
ओके इसको अनलॉक करते हैं। अभी रुक जा रुक जा रुक जा, इसको अनलॉक करके बस इससे पहले कि मैं ठिल जाऊँ यहाँ से निकलते हैं। ओके भाई नाइट विंग का सैडल में हमने बना लिया, नाइट विंग के बैठ के हम ना सेंचुरी नंबर वन जाएंगे। सेंचुरी नंबर टू अपने पहुँच से बाहर है यार, उसका लेवल बढ़ा है। सेंचुरी वन पे हम ना यहाँ नए नए पैल जो पकड़ पाएंगे, एथिक टेयर टेरा है यहाँ पे, इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। ओके ये आ गया अपने हाथ, पटालिया पकड़ लिया हमने। और कौन है यहाँ पे, अजरूब है यहाँ पे, इसको भी पकड़ लेते हैं। एक अजरूब बेस पे छोड़ना होता है हमें ना वाटरिंग के लिए, तो एक अपने पास रखेंगे। पैन किंग है, वाओ पैन किंग भी इधर से पकड़ लेते हैं। भाई यहाँ पे कितने मज़े मज़े के देखो पैल हैं। लेकिन जब आपका लेवल ना 20 प्लस हो फिर इधर आना, वरना मत आना, वरना ये लोग ना तुम्हें मार देंगे। 20-25 लेवल पर अब हो गया इजीली इनको पकड़ पाओगे। एक और अजरूब है, इसको भी पकड़ ले क्या। एक और पैन किंग है, इसको भी पकड़ लेते हैं। यार मैं ना इधर ढूंढ रहा हूँ ग्रीस बोल्ट को, सुना है ना इस सेंचुरी पे ग्रीस बोल्ट मिलता है। लास्ट गेम में मुझे यहाँ पे नहीं मिला था, मैंने बहुत ढूंढा था रातों रात। अभी मैं ना इस पे एक दिन पूरा और ये रात हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी पैल से खड़े हैं ना इनको एक दफा सबको पकड़ लूँ और फिर एंड पे जाके शायद वो स्पॉन हो जाए। लक ही है यार, देखते हैं लक कहाँ तक हमारी काम करती है। ये अजरूब बड़ा सख्त लग रहा है मुझे, इसका भी इतनी स्पीड से हेल्थ नहीं जा रहा, पहले वाले तो बहुत कच्चे नहीं बूते। ओके ओ भाई पकड़ लिया इसको, 100% कैप्चर रेट, वाओ नाइस। ओके अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं ग्रीस बोल्ट है कहीं पे। अब एक अल्फिड्रान आया यहाँ पे, अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, आधा गुजर भी चुका है एक्चुअली। अल्फिड्रान आया हुआ इधर भाई, इधर को मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ। उधर बंदे फिर रहे हैं वाले, उनके तो इशू होगा फिर उस साइड पे। अभी 313 का डैमेज, क्या मजाक कर रहे हो। बॉस वाले पे तो इतना नहीं होता था ना डैमेज, इस पर बहुत डैमेज हो रहा है। 294 भाई क्या डैमेज है यार, 301 नाइस। इसको हम ऐसे ही पकड़ लेंगे, उसने हमारा भाई शील्ड तोड़ दी है, आग लगा दी हमें। चल भी नाइट विंग, एक और एल्फिड्रान यहाँ पे स्पॉन हुआ है, इसको भी पकड़ लेते हैं। ओके भाई नाइट विंग इसके करो यार, किधर गया नाइट विंग, ओके उस साइड चला गया उड़ के। ओके मरने वाला हो गया ये एल्फिड, मर गया यार, उसने मार दिया इसको। इसने क्या ड्रॉप किया ज़रा देखें, हाई क्वालिटी पैल ऑयल इसने ड्रॉप किया है। अभी हमें यार ग्रीस बोल्ट को ढूंढते हैं, काफ़ी हमने पैल यहाँ पे पकड़ लिए हैं। वहाँ पे एक अजरूब फिर रहा है, इसको पकड़ें क्या, ये लो। इसको अच्छा डैमेज जा रहा है यार, लास्ट वाले को नहीं, लास्ट वाले का डिफेंस बहुत तगड़ा था। यहाँ पे एक चेस्ट भी है, इसको भी खोल लेते हैं। अब एक और अजरूब है यार, अजरूब कितने फिर रहे हैं इधर। ओके काफ़ी डैमेज कर दिया उसने इसका, बस अब मरने वाला मैं बात ही कर रहा कि मरने वाला हो गया, तो वो मर ही गया। यहाँ पे एक वो भाई वैलेट भी है यहाँ पे, उसको तो हम नहीं पकड़ पाए, इसको पकड़ लेंगे क्योंकि इसका लेवल 21 का है। तो वो उसके बॉस को तो नहीं पकड़ पाए थे, उसका लेवल 38 था, इसको पकड़ लेंगे हम। ओके मरने वाला हो गया, बस फिनिश पकड़ ले इसको। 87% आ गया उसका कैप्चर। अबे बेबी एस्केप कैसे कर गया, इतना रेट होने के बावजूद एस्केप। चलो जी यार ये स्लैकर निकला ये तो। अभी यार देखो मैंने यहाँ पे जितने भी पैल थे सारे के सारे पकड़ लिए, आइलैंड बिल्कुल खाली हो चुका है। अबे वो क्या गाइस, वो नीचे देखो पानी के अंदर, भाई ग्रीस बोल्ट हमें फाइनली मिल चुका है इतनी मेहनत के बाद। भाई मज़ा आ गया कसम से यार, इसको पकड़ते हैं चल के, ये लो। बहुत रेयर है यार, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। आपको पता है मैं कितने दो दिन हो गए मैं पूरा इस आइलैंड पे घूम रहा हूँ और जितने भी पैल से सारे के सारे मैंने पकड़े हैं, फिर भी मुझे अभी तक अभी अब जाके मिला ये 100% कैप्चर रेट, वाओ क्या किस्मत है भाई। और थोड़ा सा ढूंढते हैं यहाँ पे, और भी मिलेंगे हमें, अभी मिलना शुरू हो गए हैं। बैक को जाते हैं उधर बैक साइड पे। ग्रीस बोल्ट, एक और ग्रीस बोल्ट भाई, गाइस लिटरली अभी तक हमें एक भी नहीं मिला, दो दिन हो गए हमें और अब ग्रीस बोल्ट पे एक ऊपर ग्रीस बोल्ट मिलता जा रहा है।
ये सो रहा है मेरे ख्याल में, इसको उठाते हैं। हेलो भैया इधर आ। ओके उसने काफ़ी इसको डैमेज दे दिया, नाइस इसको भी पकड़ लिया हमने। अभी और थोड़ा सा और घूमते हैं, ऊपर वाली साइड पे चलते हैं, अभी यहाँ नीचे तो नहीं। अबे एक और ग्रिस बुल्ट सोया हुआ है, एक 21 लेवल का, अभी इसको भी पकड़ते हैं। ये सही है, इसको पकड़ लेते हैं। ओके नाइस, पकड़ ले इसको क्या। और इसकी हेल्थ काफ़ी नीचे आ चुकी है, 89% कैप्चर रेट शो हो रहा है, उम्मीद है काफ़ी होगा। 95 ओके 98 पकड़ लिया हमने, तीन ग्रिज बोल्ट भाई इतनी जल्दी में हमने पकड़ लिए हैं। दो दिन तक हमें कुछ नहीं मिल रहा था, अभी एक और पकड़ के चलते हैं। यहाँ पे चार कम अज़ कम होने चाहिए ना अपने पास। ये देखो भाई एक और आ गया ग्रिज बोल्ट भाई, आप सही वाले स्पॉन हो रहे हैं ना, मतलब वेट करना पड़ सकता है। अगर आप भी ग्रिज बोल्ट पकड़ने आए ना यहाँ पे, तो मेरे जैसे मैंने दो दिन यहाँ पे घूमा हूँ, आपको भी वेट करना पड़ सकता है। अगर आते साथ स्पॉन ना हो तो परेशान मत होइए, अपनी लक आजमाएं। बाकी प्याज को पकड़ते रहें, खाना शाना खुला लेके आए अपने साथ, और फिर इनको आप पकड़ सकते हैं। ये लोग फाइनली इसको भी पकड़ लिया, हमारा लेवल अप हो चुका है इसको पकड़ पकड़ के। चलो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। मैं वापस जा रहा हूँ बेस पे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर टिल देन, गुड बाय।